अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाज़िया फूडीज किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ड्रैगन मूस। ड्रैगन मूस बनाना बहुत ही इजी है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से आप ड्रैगन मूस को बनाकर तैयार कर सकती हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इससे पहले हमने आपके साथ ड्रैगन फ्रूट्स की कई सारी रेसिपी शेयर की हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से ड्रैगन मूस बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ड्रैगन फ्रूट्स। ये देखिए इस तरीके का होता है ड्रैगन फ्रूट्स, आप इसे सुपरमार्केट से ले सकते हैं, ये बहुत ही इजीली वहाँ पर मिल जाता है क्योंकि ये सभी जगह नहीं मिलता है। और अब हम इसके सबसे पहले इन खराब पत्तों को हटा देंगे। ये देखिए जो खराब पत्ते हैं इन्हें हमें हटा देना है। इसके बाद में इन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर इन्हें हम कट करना शुरू कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से इसे कट करना है, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है और अब हम इसका छिलका निकाल देते हैं। जिस तरीके से हम बनाना छीलते हैं सेम उसी पैटर्न में ये छिलका निकल जाता है, बहुत ही इजी तरीके से इसका छिलका निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सभी के छिलके हटा दिए हैं और अब हम इसे रफली चॉप कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे इसलिए इसे हमें रफली चॉप करना है। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसे डाल देते हैं मिक्सी के जार में और दूसरे वाले को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। दिखाते हैं आपको किस तरीके का हमें इसे चॉप करना है। तो ये देखिए इस तरीके के हम इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक इसे हमें चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरीके का, बहुत ही स्मॉल पीसेस इसे हमें बनाने हैं। इसे हम मिक्सी के जार में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसी तरीके से नाइफ की हेल्प से इसे चॉप कर लेंगे। तो इसको हमने चॉप कर लिया है और ये देखिए दूसरे वाले को जो हमने मिक्सी के जार में डाला था उसको हमें इस तरीके का पीस लेना है। बीज हमारे बिल्कुल भी नहीं पीसने चाहिए थे, बस हल्का सा हमें टर्न करना था इसको और बस इस तरीके का पीस लेना है। पानी को हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 कप व्हिप्ड क्रीम। जब कभी भी आप व्हिप्ड क्रीम को बीट करें तो उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी ना हो। और अब हम इसको लो पर सबसे पहले बीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें लो पर इसे बीट करना है। 1 से 2 मिनट हम इसे लो पर ही बीट करेंगे, फिर हम इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जब तक इसमें अच्छे से इसके पीक्स नहीं आ जाते तब तक इसे हम बीट करते रहेंगे। तो इसको भी बीट करने में हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। ये देखिए आप ये काम फॉक से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे इसके पीक्स आ चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ये हमारी व्हिप क्रीम नहीं गिर रही, हम आपको बाउल पलट के भी दिखाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं गिरी। तो ये हमारी एकदम परफेक्ट बीट हो चुकी है। अब हम इसको अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए हमें डिवाइड कर लेना है, तो इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में तो हम कलर मिलाएंगे और 1 हिस्से में हम कलर बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं पिंक कलर, 1 में हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे 1/4 टीस्पून के जितना, और 1 बाउल में हम डालेंगे सिर्फ 2 ड्रॉप के जितना। ये देखिए बस इतना सा, क्योंकि 1 का हम कलर थोड़ा सा डार्क रखेंगे और 1 में हम कलर थोड़ा सा लाइट रखेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो पहले हम डार्क वाले को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डार्क वाला अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकती हैं कलर को। और अब हम थोड़ा सा जो लाइट कलर हम बना रहे हैं उसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा लाइट कलर का भी तैयार हो गया है। तो ये देखिए, और अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मिक्सी के जार में पीस कर रखा था ड्रैगन फ्रूट्स, वो भी इसमें मिक्स करेंगे। तो हमें 3 हिस्सों में इसे मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 हिस्से तो रेडी हो चुके हैं, आप देख सकती हैं। अब हम व्हाइट वाले को भी रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए व्हाइट वाले को भी हमने बाउल में डाल लिया है और उसमें भी हम ड्रैगन फ्रूट्स मिला रहे हैं। इसमें हमने शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। जो लोग शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं तो वो इस तरीके से ड्रैगन मूस को ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि ये ड्रैगन मूस विदाउट शुगर है। तो यहाँ पर हमारे 3 बाउल रेडी हो गए हैं और अब हम आपको इसे सेट करना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 ग्लास लिया है, ये देखिए 3 अलग अलग कलर के हैं। यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके का ग्लास लिया है, आप शॉट्स भी ले सकते हैं, छोटे ग्लास भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे डार्क कलर,
ये देखिए इस तरीके से हम सबसे पहले डार्क कलर को नीचे डाल देते हैं और इसे हम स्पून से इस तरीके से सेट कर देंगे। ये कलर एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो आप देख सकती हैं हमने एक हिस्से में डार्क कलर को मिक्स कर दिया। अब हम दूसरे में थोड़ा उससे लाइट कलर को मिक्स करेंगे। कलर आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो आप कलर इसमें मिला सकते हैं। अगर आपका ड्रैगन फ्रूट रेड कलर का है तो आपको कलर मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसके ऊपर व्हाइट वाला पार्ट डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको भी हम इस तरीके से बराबर कर देंगे। और ऊपर से इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा था ड्रैगन फ्रूट्स, वो हम इसके ऊपर डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और एक स्टिक में हम इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट्स लगा देते हैं और साथ में कुछ चेरी रख देंगे, थोड़ा सा हम मिंट भी रखेंगे इसमें। तो देखा आपने, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमारा ड्रैगन मूस बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकती हैं जिस तरीके से हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हमें इसी तरीके से सर्व करके देते हैं वो लोग। तो हमने आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ड्रैगन मूस घर पर ही बनाना सिखा दिया, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। अगर आपको हमारी ड्रैगन मूस की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ड्रैगन मूस कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलेगी, वो भी फ्री में। इसी तरीके से आपसे हम फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।